नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग वेलकम 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 टू अनदर लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हाउ आर यू ऑल डूइंग कैसे हैं आप सभी तो <coughs> so, आज हम लोग काइनेमेटिक्स का सेकेंड लेक्चर कवर करने वाले हैं एंड इट इज गोइंग टू बी काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज राइट यहां पार्टिकल लिखा गया है लेट मी करेक्ट इट इट इज काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज जिसमें बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं रोटेशनल मोशन और जनरल मोशन मैंने आप लोगों को कल ही बताया था पार्टिकल के केस में वी ओनली स्टडी अबाउट ट्रांसलेशनल मोशन राइट बट इन केस ऑफ रिजिड बॉडीज देर इज रोटेशन एज वेल एज जनरल मोशन अगर रोटेशन आ जाता है तो फिर उसको रिजिड बॉडी कंसिडर करना पड़ता है राइट तो कल हम लोगों ने काइनेमेटिक्स ऑफ वन डायमेंशनल ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा टू डायमेंशनल ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ा उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन तो वैसे आप लोगों को पीवाईक्यू में कमी देखने को मिलेंगे है ना लेकिन आज की क्लास में हम लोग जो जनरल मोशन कवर करने वाले हैं ना मैं आप लोगों को बता दूं जनरल मोशन के ऊपर सवाल आते हैं ठीक है ट्रांसलेशन रोटेशन जनरल मोशन इन तीनों में से अगर आप देखोगे ना तो जनरल मोशन के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल आए हैं आज तक रीजन भी है देखिए जनरल मोशन जो आज आप क्लास में पढ़ोगे ना ये सेम चीज आप थ्योरी ऑफ मशीन में भी पढ़ते हो ठीक है बस वहां पे थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बनाते हो यहाँ बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन बनाते हो लेकिन सेम वही टॉपिक सेम वही न्यूमेरिकल वही प्रोसीजर आप थ्योरी ऑफ मशीन्स में भी पढ़ते हो ठीक है तो जो क्वेश्चन आता है वो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी बोल सकते हो थ्योरी ऑफ मशीन्स का भी बोल सकते हो क्योंकि हम लोग दोनों सब्जेक्ट्स में वो सेम टॉपिक पढ़ते हैं ओके तो इसीलिए जनरल मोशन से काफी सवाल देखने को मिलते हैं हाल फिलहाल में तो काफी आ रहे हैं लगभग हर साल एक सवाल आ ही जाता है तो मैकेनिकल में या एक्स ठीक है चलिए तो आज हम लोग दो मोशन पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन और जनरल मोशन रोटेशनल मोशन कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है उसके ऊपर गेट में मेरे ख्याल से शायद अभी तक एक ही सवाल आया है ठीक है लेकिन जनरल मोशन इंपॉर्टेंट है ओके चलिए तो सबसे पहले कवर करते हैं रोटेशनल मोशन ओके तैयार तो है ना सब तो रोटेशनल मोशन बेसिकली क्या है रोटेशनल मोशन के केस में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक गियर है जो कि अपने सेंटर के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है ठीक है तो आप इस गियर पे कोई भी दो तो पार्टिकल अगर लोगे ना तो उनका पाथ जो है कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह बनेगा राइट right? जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका पाथ सर्कुलर बनेगा बस ये सर्कल्स क्या होंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे अलग अलग पार्टिकल के जो पाथ होंगे दे विल बी कंसेंट्रिक सर्कल्स यस एग्जांपल्स, फैन की ब्लेड्स का जो मोशन है गियर का जो मोशन है ग्राइंडिंग व्हील का जो मोशन है ना इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं प्योर रोटेशनल मोशन कल मैंने आप लोगों को बताया था डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन आप लोगों को याद होगा सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है अगर कोई बहुत छोटी सी बॉडी एक बहुत बड़े सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलेंगे जैसे एक पत्थर को रस्सी से बांध के गोल गोल घुमाओ तो जो पाथ आपका बन रहा है उसके कंपैरिजन में पत्थर का साइज बहुत छोटा है तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं है ना वैसे ही अगर एक कार है जो तो एक स्टेडियम के एज पे ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रही है तो कार के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे सर्कुलर मोशन क्योंकि यहां हम लोग कार का साइज नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं कार को एक पार्टिकल की तरह हम लोग मान रहे हैं तो एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ पे गोल गोल घूम रहा है तो इसको सर्कुलर मोशन बोला जाता है वही अगर मैं फैन की बात करूं तो फैन का जो सर्कुलर पाथ बन रहा है उसके कंपैरिजन में फैन का साइज अच्छा खासा बड़ा है तो साइज को यहाँ नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है ना अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो अर्थ सर्कुलर मोशन भी करता है रोटेशनल मोशन भी अर्थ जो अपने एक्सेस के अबाउट घूम रहा है ना 24 तो घंटे में एक चक्कर जो लगाता है दैट इज दैट इज रोटेशनल मोशन लेकिन अर्थ जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है ना दैट इज सर्कुलर मोशन ओके तो अर्थ का दोनों मोशन है अपने एक्सेस के अबाउट रोटेशनल मोशन और सन के चारों तरफ सर्कुलर मोशन ठीक है चलिए अब रोटेशनल मोशन के केस में आपको ना दो टाइप के मोशन वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं कल हम लोगों ने मोशन वेरिएबल पढ़े थे इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन क्या क्या पढ़े थे पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो वैसे ही यहां पर भी हमें मोशन वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे दो सेट ऑफ मोशन वेरिएबल्स हमें यहां देखने को मिलेंगे एंगुलर मोशन वेरिएबल्स और लिनियर मोशन वेरिएबल्स ओके तो यहां मैंने एक एग्जाम्पल लिया है एक रॉड का जो कि एक एंड पे हिंज्ड है ओ इज सेंटर ऑफ रोटेशन ठीक है और जो रॉड है इनिशियली वो यहां पर था से जीरो सेकेंड पे वो यहां पर था और टी सेकेंड पे वो यहां पहुंच गया और जीरो से टी सेकेंड में उसने थीटा एंगल से रोटेट किया ठीक है अब जैसे रेक्टिलिनियर मोशन में एक्स या वाई से हमें बॉडी की पार्टिकल की पोजीशन का पता चलता था ना वैसे ही यहां बॉडी की पोजीशन का पता किससे चलेगा थीटा से तो थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं व्हाट इज थीटा थीटा इज नोन एज एंगुलर पोजीशन और ये रेडियंस में होता है याद रखना ठीक है जब भी आप किसी एंगल थीटा को बिना साइन कॉस टेन के पुट करते हो ना तो वो थीटा हमेशा किस में होना चाहिए रेडियंस में अगर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा लिखा है तब थीटा आप डिग्री में भी रख सकते हो लेकिन अगर सिर्फ थीटा है किसी भी फॉर्मूले में चाहे वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो मशीन डिजाइन हो थ्योरी ऑफ मशीन हो कोई सा भी आप सब्जेक्ट ले लो उसमें अगर थीटा लिखा है किसी फॉर्मूले में सिर्फ थीटा साइन कॉस टेन नहीं लगा हुआ है सिर्फ थीटा लिखा है तो इट मस्ट बी इन रेडियंस नोट कर लो ओके बहुत जगह आपको काम आएगा ओके अब देखो एंगुलर पोजीशन हमारी किससे पता चल रही है थीटा से है ना अब ये जो पोजीशन है किस रेट से चेंज हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी है ना एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय ओमेगा, विच इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है ना वी विच इज इक्वल टू डीएस बाय डी टी वैसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज डी थीटा बाई डीटी रेडियन पर सेकेंड ठीक है

ओमेगा बाई डीटी को मैं डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी भी लिख सकता हूं अब डी थीटा बाई डी टी क्या है ओमेगा है ये बन गया ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा अब ध्यान से इन तीन रिलेशंस को देखिए ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी एंड अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा तीनों रिलेशंस जो हैं आप कल भी देख चुके हो बस फर्क इतना था कि कल हमने एस बी और ए के बीच में रिलेशन लिखा था आज हम थीटा ओमेगा और अल्फा के बीच में रिलेशन देख रहे हैं बट वो रिलेशन सेम है तो यहां वही सेम एनालॉगी हम यूज कर सकते हैं ना तो बेटा अगर मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करो यहां पे भी अगर मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कंसिडर करूं यानी कि अगर अल्फा कांस्टेंट हुआ तो इन तीन रिलेशंस को इंटीग्रेट करके मेरे को सेम वही रिलेशंस मिलेंगे जो हम लोगों को कल मिल रहे थे याद होगा आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केस में हमने तीन रिलेशन निकाले थे पहला क्या था

ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर ये हो गया आपका सेकंड रिलेशन थर्ड रिलेशन क्या था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस तो वी की जगह हो गया आपका ओमेगा नॉट यू की जगह हो गया ओमेगा तो ये सेम तीन रिलेशंस आपको यहां पे भी मिलेंगे केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टन अब आपको कल हम लोग मैंने जो सवाल कराए थे ना दो टाइप के सवाल कराए थे एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के और एक वो इक्वेशन वाले जिसमें इंटीग्रेशन करना पड़ता था वही सवाल आपको आज भी देखने को मिलेंगे मतलब सेम वही प्रोसीजर यूज करना है सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है अगर यूनिफॉर्म एक्सेरेशन बोला तो ये तीन फॉर्मूले लगा देना और अगर इक्वेशन दिया तो इन तीन रिलेशन को यूज करना है डिफ्रेंशियन इंटीग्रेशन करके सवाल बनाना है सेम प्रोसीजर ठीक है चलिए दो चार सवाल बना के देखते हैं आपको क्लैरिटी मिलेगी ठीक है पहला सवाल ये रहा अ फ्लाई व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रिवॉल्व विद एन एक्सेन ऑफ टू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई व्हील आफ्टर एट सेकेंड इज फ्लाई व्हील आपको पता ही है सेंटर के अबाउट रोटेट करता है ना इंजन से जुड़ा रहता है तो वो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब क्या है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है एंगुलर एक्सेलरेशन अपने को कांस्टेंट दिया हुआ है टू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर और आठ सेकेंड के बाद अपने को फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो इन चारों के बीच में कौन सा रिलेशन हम लगा सकते हैं पहला रिलेशन ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी ओमेगा नॉट क्या है ओमेगा नॉट जीरो है अल्फा दो है और टाइम आठ है तो ओमेगा विल बी रेडियन पर सेकेंड है ना? रेडियन पर सेकेंड यस चलिए अगले सवाल पे चलते हैं से। सीलिंग फैन इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम सिक्सटी आरपीएम टू नाइनटी आरपीएम इन ट्वेंटी सेकेंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फैन इज अब देखिए यहां पे ना आपको आरपीएम दिया हुआ है रोटेशनल रोटेशन पर मिनट मतलब एक मिनट में कितने बार रोटेट कर रहा है इसको रेडियन पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूले को याद रखिएगा ओमेगा इक्वल्स टू टू पाई एन बाय सिक्सटी ठीक है ना ओमेगा रेडियन पर सेकेंड है और एन आर है तो अगर आरपीएम से रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो यू कैन यूज दिस रिलेशन ओमेगा पाई अब देखिए यहां इनिशियल वेलोसिटी दी है फाइनल वेलोसिटी दी हुई है टाइम दिया हुआ है और अल्फा निकालना है तो हम अपना पहला वाला रिलेशन ही यूज करेंगे है ना ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी

तो ये कितना हो जाएगा टू पाई इन टू बाई ट्वेंटी आ रहा है मतलब पॉइंट वन फाइव सेवन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर तो यहां रेडियन पर सेकेंड में ना देके स्पीड को आरपीएम में दिया हुआ था पहले हमने रेडियन पर सेकेंड कन्वर्ट किया फिर फॉर्मूले में पुट कर दिया है ना गॉट अल्फा पॉइंट वन फाइव सेवन रेडियन पर सेकेंड पैन है चलिए अब देखिए ये वाला सवाल इसमें इक्वेशन दी हुई है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सेम उसी तरीके से बनाना है द इक्वेशन ऑफ एंगुलर पोजिशन ऑफ अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय थीटा इक्वल टू टी क्यूब प्लस टू टी स्क्वायर फेर थीटा इज इन रेडियन एंड टी इन सेकेंड्स, एंगुलर एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू फाइव सेकेंड इज, थीटा दिया है अल्फा निकालना है, क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे है ना थीटा को डिफ्रेंशिएट करने पे ओमेगा मिलेगा और ओमेगा को डिफ्रेंशिएट करने पे अल्फा मिलेगा तो थीटा को डिफ्रेंशिएट करो कितना आ रहा है थ्री टी प्लस फोर टी यस अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है अल्फा विल बी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी दी हो जाएगा आपका सिक्स टी कस फोर है ना अब आपको टी इक्वल टू फाइव सेकेंड पे एक्सेलरेशन चाहिए तो एट टी इक्वल टू फाइव सेकेंड्स ट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा थर्टी फोर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायेर आ रहा है थर्टी फोर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर यस दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू फाइव सेकेंड थर्टी फोर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ओके तरीके से हम जैसे रेक्टीलिनियर मोशन में लीनियर मोशन वेरिएबल्स निकाल रहे थे ना वैसे ही करवीलिनियर सॉरी सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोशन वेरिएबल्स कैलकुलेट कर सकते हैं ना तो वही सेम प्रॉब्लम्स बार बार करके कोई फायदा है नहीं इसलिए मैंने ज्यादा कराया नहीं मैंने बस आपको एग्जाम्पल देने के लिए कराया कि भैया जो प्रोसीजर कल यूज कर रहे थे वही सेम प्रोसीजर आज भी है, है ना अब आ जाते हैं लीनियर मोशन वेरिएबल्स अब यहां थोड़ा सा चेंज है हमने अभी जो कैलकुलेट किए वो एंगुलर मोशन वेरिएबल थे यानी एंगुलर पोजिशन एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं है ना तो लीनियर मोशन वेरिएबल्स कैसे निकालेंगे तो यहां मान लीजिए सेम वही कॉन्सेप्ट है जीरो सेकंड पे यहां पर था t सेकंड पे यहां पहुंचा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर पोजीशन मान लीजिए थीटा रेडियंस से चेंज हुई ओके। अब हमें निकालना है सबसे पहले लीनियर डिस्प्लेसमेंट ओके। लेट्स फर्स्ट फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो पता है थीटा लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अब देखिए लीनियर मोशन वेरिएबल्स जो होंगे ना हर पार्टिकल के लिए अलग होंगे अब देखो डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था कि जब बॉडी कर्व्ड पाथ पे मूव करती है आप शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट मत मानना वो जो धारणा बैठी हुई है गलत है कि शॉर्टेस्ट पाथ इज द डिस्प्लेसमेंट उससे फिर आपको गलत आंसर मिलेगा आपको अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालना है मान लीजिए पार्टिकल ए का तो पार्टिकल ए पहले यहां पर था फिर थोड़ी देर बाद रोटेट करके यहां पे पहुंचा तो अगर मुझे लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालना है देन आई विल हैव टू कैलकुलेट दिस एंटायर डिस्टेंस ये जो सर्कुलर आर्क बन रहा है ना इस डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना पड़ा अब यहां मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि सर अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां आके कर्व कैसे बन गया तो देखो जब हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना तो हम लोग इस कर्व्ड पाथ का एक बहुत छोटा सा हिस्सा कंसिडर करते हैं और उसको ऑलमोस्ट हम लोग स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं जैसे सर्कुलर आर्क का जब आप फॉर्मूला निकालते हो तो आर्क को आप लगभग एक स्ट्रेट लाइन मानते हो ना और फिर आप फॉर्मूला डिराइव करते हो तो आप ये मान के चलो कि ये जो सर्कुलर आर्क बन रहा है ये बहुत छोटे छोटे स्ट्रेट लाइंस को जोड़ जोड़ के बनाए जोड़ जोड़ के जोड़ -के, जोड़ के जोड़ -के, जोड़, -के, जोड़ -के. तो अभी भी आप स्ट्रेट लाइन ही कैलकुलेट कर रहे हो बस ये है कि बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन को जोड़ के एक कर्व्ड पाथ बन गया है ठीक है तो आपको डिस्प्लेसमेंट में ये पूरा पाथ निकालना पड़ेगा जैसे अगर मान लीजिए गोल घूम के ये एक बार ऐसे आ गया वापस तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो जीरो है पहले जहां से चालू हुआ था बाद में वहीं पहुंच गया तो जीरो नहीं हो जाएगा ना ठीक है चलिए तो अगर मैं ए पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं इसको मैं एस ए से डिनोट कर देता हूं तो एस ए कितना होगा बेटा आर्क लेंथ कितनी होगी आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय थीटा ना तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ओ ए है और ये एंगल जो है वो थीटा है तो थीटा इन ओ ए लिख सकता हूं क्या मैं इज द लिनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटा मल्टीप्लाइड बाई दिस डिस्टेंस ओ इज द सेंटर ऑफ रोटेशन वैसे ही अगर मैं बी के लिनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो बी का लिनियर डिस्प्लेसमेंट अलग आएगा आप देख सकते हो बी का लिनियर डिस्प्लेसमेंट यह है जो ए से ज्यादा है ठीक है तो बी का लिनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हीटा मल्टीप्लाइड बाय ओ बी तो आप देख सकते हो अलग अलग पार्टिकल्स के लिए लिनियर डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम सॉरी डिफरेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो थीटा ही है लेकिन लिनियर डिस्प्लेसमेंट हर पार्टिकल का अलग अलग होगा जो तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है थीटा तो कॉमन है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन जैसे ए का डिस्टेंस ये है ओ ए बी का डिस्टेंस ये है ओ बी तो इस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है अगर मैं इस डिस्टेंस को आर से डिनोट करूं तो किसी भी पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट थीटा इंटू आर लिखा जा सकता है क्या जहां आर क्या है इट इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन तो जिस पार्टिकल का रेडियल डिस्टेंस जितना होगा उस पार्टिकल का लिनियर डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा अगर पार्टिकल का लिनियर डिस्टेंस सबसे ज्यादा है तो लिनियर डिस्प्लेसमेंट भी सबसे ज्यादा होगा अगर मैं सेंटर ऑफ रोटेशन की बात करूं तो उसके लिए आर की वैल्यू जीरो होगी यानी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है और जैसे जैसे आप सेंटर ऑफ रोटेशन से दूर जाते जाओगे लिनियर डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ता जाएगा आर बढ़ता जाएगा लिनियर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा तो दिस इज द लिनियर डिस्प्लेसमेंट थीटा इनटू आर ठीक है सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट लिनियर वेलोसिटी है ना लिनियर वेलोसिटी भी निकाल सकते मान लीजिए ये आपकी रिजिड बॉडी है ओ के अबाउट रोटेट कर रही है yeah, आपको किसी पार्टिकल पी का लीनियर वेलोसिटी निकालना है तो सबसे पहले तो आप इस पार्टिकल को ओ से एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो तो ये क्या मिल गया आपको आर मिल गया है ना रेडियल डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओ दिस इज द रेडियल डिस्टेंस अब वी क्या होता है बेटा वी इज बाई डी टी और एस कितना है आर थीटा या थीटा इंटू आर अब यहां आर जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना टाइम के साथ थोड़ी चेंज हो जाएगा इसको रोटेट करते जाओगे तो इस पार्टिकल का ओ से डिस्टेंस चेंज होगा क्या नहीं ना ये तो रिजिड बॉडी है तो ये डिस्टेंस तो आपका कॉन्स्टेंट है आर बाहर आ जाएगा ये बन जाएगा डी थीटा बाय डी टी और डी थीटा बाय डी टी को क्या लिख सकता हूं मैं ओमेगा लिख सकता हूं तो वी विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर है ना तो दिस इज द लीनियर वेलोसिटी अब इस लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा तो दिस लीनियर वेलोसिटी विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू आर आर के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है आर क्या बता रहा है बेटा आर को तो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो लाइन है ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना दिस इज योर आर तो वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा कौन सी लाइन उस पार्टिकल को सेंटर ऑफ रोटेशन से जोड़ने वाली लाइन line। तो लिनियर वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा लेकिन वो ऐसा भी हो सकता है ये भी परपेंडिकुलर है ऐसा भी हो सकता है कैसे पता चलेगा तो बेटा ओमेगा का डायरेक्शन देखो ओमेगा क्लॉकवाइज है ना तो अगर मैं पी को ओ के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो किधर जाएगा पी नीचे की तरफ जाएगा ना अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा पी नीचे की तरफ जाएगा तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ पी विल बी लाइक दिस दिस इज परपेंडिकुलर टू आर क्लियर है तो किसी भी पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू आर वेर आर इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन तो जिस भी पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है पहले उस पार्टिकल को सेंटर ऑफ रोटेशन से एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो ये बन गया आपका आर उसके बाद इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर आप वेलॉसिटी के डायरेक्शन ले लो किस तरफ लेंगे वो ओमेगा की डायरेक्शन से पता चल जाए ठीक है चलिए तो लीनियर वेलोसिटी निकाल ली अब निकालेंगे लीनियर एक्सेलरेशन अब लीनियर एक्सेलरेशन के आपको दो कंपोनेंट्स मिलेंगे ठीक है जब लीनियर एक्सेलरेशन की बात आती है दो कंपोनेंट्स मिलेंगे एक नॉर्मल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जैसे हमें सर्कुलर मोशन में मिल रहा था ना करविलीनियर मोशन में वैसे अब यहां नॉर्मल एक्सेलरेशन जो होगा सॉरी पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इट विल बी इक्वल टू डी वी डीटी। डी टी कल ही फॉर्मूला निकाला था याद होगा ए टी विल बी डीवी बाय डी टी अब यहां वी कितना है वी ओमेगा इंटू आर आर तो कांस्टेंट है अब डी ओमेगा बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूं अल्फा लिख सकता हूं तो ए टी विल बी इक्वल टू अल्फा इनटू आर तो दिस इज द देंशियल एक्सेल ज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्निट्यूड ऑफ वेलोसिटी वैसे ही एक नॉर्मल एक्सेलेशन होगा विच इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्योंकि देखो यहां आप अगर देखोगे ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है ना इस पॉइंट पे देखोगे ना तो ए की वेलोसिटी ऐसी रहेगी और यहां देखोगे तो ए की वेलोसिटी ऐसी रहेगी तो ए की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज एटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ए एन एन विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर और वी कितना है ओमेगा आर ए एन विल बी इक्वल टू हाउ मच ओमेगा स्क्वायर इंटू आर ए टी इज अल्फा इंटू आर ए एन इज ओमेगा स्क्वायर इंटू आर ये फॉर्मूले याद रखना एकदम ये काइनेटिक्स में भी बहुत यूज होंगे ठीक है ना रोटेशनल मोशन जो है वो काइनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपको स्टैट क्या बोलते हैं काइनेमेटिक्स में तो सवाल नहीं देखने को मिलेंगे बट काटिक्स के सवालों में आपको ये फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे फॉर्मूला तो, तो हमने देख लिया डायरेक्शन भी तो इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा अल्फा मान लीजिए ये कोई पॉइंट है पी ठीक है तो सबसे पहले तो इस पी को सेंटर ऑफ रोटेशन से जोड़ दो अब इस पी का ए टी और ए एन निकालना है ना सबसे पहले ए एन बताता हूं क्योंकि बहुत आसान है नॉर्मल एक्सेलरेशन ठीक है नॉर्मल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन होगा किसी भी पार्टिकल पे नॉर्मल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे देखेंगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन तो अगर मुझे इस पार्टिकल का ए एन देखना है सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है ओ है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन खींच दो ये दैट्स इट क्या आ गया ए एन ठीक है अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो इसके परपेंडिकुलर होगा इसका परपेंडिकुलर बोले तो ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है इसके ऊपर डिपेंड करेगा अल्फा की डायरेक्शन याद रखना अल्फा के डायरेक्शन पे ओमेगा की डायरेक्शन पे नहीं ओमेगा और अल्फा सेम भी डायरेक्शन में हो सकते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं अगर ओमेगा भी क्लॉकवाइज है और अल्फा भी क्लॉकवाइज है तो ओमेगा बढ़ेगा लेकिन अगर ओमेगा क्लॉकवाइज है और अल्फा एंटी क्लॉकवाइज है तो ओमेगा घटेगा है ना तो भाई अल्फा की डायरेक्शन और ओमेगा की डायरेक्शन हमेशा सेम होगी जरूरी नहीं है कभी कभी अलग भी हो सकती है तो जो एटी की डायरेक्शन है वो अल्फा पे डिपेंड करेगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ओमेगा पे डिपेंड करता है बट एटी का डायरेक्शन अल्फा पे डिपेंड करेगा तो यहां अल्फा मैंने क्लॉकवाइज लिया है तो अगर मैं पी को क्लॉकवाइज घुमाऊंगा नीचे की तरफ जाएगा दिस विल भी ए टी क्या ए टी एंड ए एन विल भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर ओके तो लीनियर एक्सेलरेशन के ये दो कॉम्पोनेट हैं पेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन को तेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है तेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर सेंटर से दूर की तरफ सेंट्रीपिटल होता है टुवर्ड्स द सेंटर है ना तो ये जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है ये टुवर्ड्स द सेंटर है ना दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओके क्लियर है तो आपको अगर एंगुलर मोशन वेरिएबल पता है यानी कि थीटा पता है ओमेगा पता है अल्फा पता है, अल्फा पता है और आपको पार्टिकल का सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस पता है तो आप उस पार्टिकल का लीनियर मोशन वेरिएबल निकाल सकते हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हो और लीनियर एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो लेकिन उसके लिए पहले क्या चाहिए पहले एंगुलर मोशन वेरिएबल पता होना चाहिए ठीक है चलिए तो इसके ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा अ व्हील ऑफ फोर मीटर डायमीटर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इज एक्सेलरेटेड एट अ रेट ऑफ टू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑन इट्स पेरीफेरी आफ्टर टेन सेकेंड्स ये है व्हील, ठीक है ना चार मीटर का डायमीटर है अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा अल्फा सेम डायरेक्शन में ठीक है? जब तक बोला नहीं है तब तक मान के चलेंगे कि सेम डायरेक्शन आपको बोल रहा है कि पेरिफेरी, यानी कि यहां पे कहीं पे कोई एक पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी बतानी है दस सेकेंड के बाद वेलोसिटी तो ओमेगा इंटू आर होता है तो पहले आपको 10 सेकेंड के बाद का ओमेगा चाहिए ना तब तो आप वेलोसिटी निकालोगे तो यहां हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है ओमेगा नॉट और अल्फा दिया हुआ है टू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर तो पहले ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे ओमेगा विल बी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी ओमेगा नॉट इज जीरो अल्फा इज टू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम दस सेकेंड है ओमेगा आ गया ट्वेंटी रेडियन पर सेकेंड तो दस सेकेंड के बाद वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होगी 20 रेडियन पर सेकेंड लेकिन हमें क्या चाहिए हमें लीनियर वेलोसिटी चाहिए ना तो बेटा लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे अब देखो यहां ओमेगा इंटू आर जब मैं लिख रहा हूं ना तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर जो है वो रेडियस है अब कई क्वेश्चंस में आर रेडियस के बराबर होता है लेकिन कभी कभी नहीं भी होता है तो इसको रट्टा मत मार लेना क्योंकि क्या होता है ना दो चार सवाल हम लोग बनाते हैं जहां आर हमेशा रेडियस के बराबर होता है तो एक आदत सी बन जाती है कि आर को रेडियस ले लो उसके बाद अचानक से एक सवाल आएगा जिसमें आर रेडियस के बराबर नहीं होगा लेकिन आप उसको रेडियस पुट कर दोगे और गलती कर दोगे यही सब तो सिली मिस्टेक्स होती हैं तो इसको अवॉइड करने के लिए याद रखो आर इज नॉट रेडियस आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन अब यहां हमें पेरीफरी पे जो पॉइंट दिया है उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ रोटेशन से रेडियस के बराबर होगा ये एक कोइंसिडेंस है ये जरूरी नहीं है है ना अगर मान लीजिए मुझे यहां का किसी पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना पड़े तो उसका रेडियल डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा क्या नहीं होगा ना इसलिए याद रखो आर इज नॉट रेडियस आर इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन तो बेटा यहां ओमेगा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ट्वेंटी रेडियन पर सेकेंड और आर यहां रेडियस के बराबर होगा और चार मीटर का डायामीटर है तो रेडियस हो गया दो मीटर तो वेलोसिटी आपकी आ गई फोर्टी मीटर पर सेकेंड ठीक है तो एट एनी पॉइंट ऑन इट्स इट्सि वो पॉइंट कहीं पे भी हो उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा 40 मीटर पर सेकेंड ओके चलिए अब ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए अ व्हील ऑफ वन मीटर रेडियस रोटेटिंग एट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड इज एक्सलरेटेड एट अ रेट ऑफ फाइव रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ये व्हील है आपका ठीक है सेम वही वाला डायग्राम मैंने बना दिया है ओमेगा अल्फा सेम डायरेक्शन में है ठीक yeah, है आपको बोल रहा है कि पेरीफेरी के किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालो आफ्टर द व्हीशन मतलब व्हील जो है वो दो चक्कर घूम लेगा ना जब दो बार ऐसे ऐसे घूम लेगा एक एक बार बार ऐसा, ऐसा, फिर और उसके बाद किसी भी पेरिफेरी के पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना हो अब यहां एक्सेलरेशन बोले तो टोटल एक्सेलरेशन विच विल बी द रिजल्टेंट ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन तो पहले आपको टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन अलग अलग निकालना है फिर उनका रिजल्टेंट ले लेना है अब टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले आपको क्या चाहिए पहले आपको चाहिए ओमेगा और अल्फा है ना क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू आर एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर तो पहले ओमेगा और अल्फा निकालना पड़ेगा न? अब यहां अल्फा तो आपको दिया हुआ है डायरेक्टली फाइव रेडियन पर तो अल्फा कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू हमें, हमें, हमें इनिशियल ओमेगा दिया है इसको ओमेगा मत मान लेना ये तो इनिशियल ओमेगा है दो चक्कर लगाने के बाद का ओमेगा चाहिए अपने को याद रखो ये इनिशियल ओमेगा है हमें दो चक्कर लगाने के बाद का ओमेगा चाहिए तो बेटा दो चक्कर लगाने के बाद का ओमेगा कैसे निकालेंगे दो चक्कर लगाने का मतलब आपका थीटा कितना हो जाएगा अगर कोई पार्टिकल एक पूरा चक्कर लगा लेगा तो थीटा कितना होगा टू पाई होगा थ्री सिक्सटी डिग्री है ना अगर ये बॉडी एक पूरा चक्कर लगाती है तो किसी भी पार्टिकल के लिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी रेडियंस, 360 डिग्री है ना यहां रेडियन में रखना है तो टू पाई तो दो चक्कर लगाने का मतलब फोर पाई हो जाएगा है ना तो हमें थीटा पता है ओमेगा नॉट पता है अल्फा पता है ओमेगा निकालना है ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या थर्ड वाला है ना तो यहां हमारे पास ओमेगा नॉट है कितना टेन रेडियन पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी अल्फा है फाइव रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर और थीटा हमारा हो जाएगा फोर पाई एक चक्कर लगाने का मतलब टू पाई दो चक्कर लगाने का मतलब फोर पाई तो यहां से ओमेगा स्क्वायर ही निकाल दो क्योंकि अपने को ओमेगा स्क्वायर चाहिए ना टू इंटू फाइव इंटू फोर पाई प्लस टेन स्क्वायर तो टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स सिक्स इतना आ रहा है क्या ओमेगा स्क्वायर निकाल दिया मैंने क्योंकि हमने को ओमेगा स्क्वायर चाहिए ना ओमेगा थोड़ी चाहिए अपने को अपने को तो ओमेगा स्क्वायर से मतलब है ना चलो तो अब मैं पहले ए टी और एन अलग अलग निकाल लेता हूं तो ए टी विल बी अल्फा इंटू आर ए टी की वैल्यू है फाइव और आर की वैल्यू कितनी होगी तो पेरीफरी पे पॉइंट है उसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा अब यहां पे भी कोइंसिडेंस है कि आर रेडियस के बराबर है मैं बता रहा हूं ना इसको रट्टा मत मार लेना कि आर हमेशा रेडियस के बराबर होता है तो यहां वन मीटर का रेडियस है एटी विल बी फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना एन विल बी ओमेगा स्क्वायर इन r आर और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बहुत बड़ी है टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स सिक्स तो ए एन विल बी टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना तो अब यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा रूट ओवर एटी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर फाइव का स्क्वायर प्लस टू ट्वेंटी करोगे भी तो कोई मतलब नहीं है उतना ही आएगा लगभग टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन वन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दिस इज टोटल एक्सेलरेशन आफ्टर टू रेवल्यूशन है ना टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन वन रेडियन पर सेकेंड पहले ए टी निकाल लिया फिर ए एन निकाल लिया फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया है चलिए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं अ व्हील हैज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल्स टू टू थीटा अब यहां देखिए आपको इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है अल्फा इक्वल्स टू टू थीटा वेयर थीटा इज इन रेडियंस द व्हील हैज अ रेडियस ऑफ पॉइंट टू मीटर एंड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फिर से वही कहानी है व्हील दिया हुआ है जो सेंटर पे हिंसडे मान लीजिए ठीक है आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट पी लोकेटेड ऑन इट्स रिम आफ्टर द व्हील हैज रोटेटेड टू रेवोल्यूशन यहां पे भी दो रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिए हैं व्हील ने और उसके बाद का आपको क्या निकालना है टोटल एक्सेल अब यहां ध्यान से मेरी बात समझ वापस से हमें ए टी और ए एन पहले निकालना पड़ेगा ए टी के लिए अल्फा चाहिए ए एन के लिए ओमेगा चाहिए अब पिछले साल में पिछले सवाल में सॉरी अल्फा कांस्टेंट दे दिया था तो अल्फा अपने को निकालने की जरूरत नहीं थी बट इस बार अल्फा भी निकालना पड़ेगा कांस्टेंट नहीं दिया है अल्फा अल्फा जो है वो थीटा के टर्म्स में दिया है तो पहले अल्फा भी निकालना पड़ेगा फिर उसके बाद ओमेगा निकालेंगे तो बेटा अल्फा इज इक्वल टू टू थीटा ना अब थीटा की वैल्यू जो है वो दो रेवल्यूशन के बाद कितनी हो जाएगी हमें दो रेवोल्यूशन के बाद का अल्फा चाहिए ना तो दो रेवोल्यूशन का मतलब क्या है फोर पाई रेडियन है ना तो भैया यहां अल्फा की थीटा के टर्म्स में इक्वेशन दी हुई है ना बस अल्फा कितना हो जाएगा एट पाई हो जाएगा है कि नहीं तो अल्फा अपना आ गया एट पाई दो रेवोल्यूशन के बाद का अल्फा एट पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ओके अब हमें ओमेगा भी निकालना है सर ओमेगा कैसे निकालें अब ध्यान से बात समझो अल्फा और थीटा का रिलेशन दिया है ओमेगा निकालना है टाइम का रिलेशन नहीं है यहां अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाय डीटी नहीं है है ना यहां पे अल्फा का टाइम के साथ रिलेशन नहीं दिया है थीटा के साथ रिलेशन दिया है और ओमेगा निकालना है। तो ये वाला रिलेशन याद आ रहा है क्या अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा है ना अल्फा ओमेगा और थीटा के बीच का रिलेशन अब यहां से मैं इसको लिख सकता हूं ओमेगा डी ओमेगा इक्वल्स टू टू थीटा डी थीटा ठीक है अब इसको इंटीग्रेट करता हूं तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा इनिशियली ओमेगा जीरो था ना और फिर जब ये फोर पाई हो गया थीटा तब का ओमेगा चाहिए याद करो इनिशियली तो ओमेगा जीरो था क्योंकि ये रेस्ट से चालू हो रहा था और जब जीरो से चार पाई ये घूम गया उसके बाद का ओमेगा चाहिए तो आपकी लोअर लिमिट जीरो जीरो अपर लिमिट फोर पाई ओमेगा अब ओमेगा को इंटीग्रेट करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर बाय टू हो जाएगा है ना और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये टू थीटा स्क्वायर बाय टू हो जाएगा तो यहां से ओमेगा कितना आ जाएगा ये टू और टू कैंसल हो जाएगा है ना तो ये आएगा टू इंटू फोर अच्छा ओमेगा स्क्वायर ही निकाल दो ये अपने को ओमेगा स्क्वायर ही चाहिए ना तो ये आ रहा है थ्री वन फाइव पॉइंट एट थ्री है ना वन फाइव पॉइंट एट थ्री आ रहा है अब यहां आपको आर की वैल्यू कितनी दी हुई है पॉइंट टू मीटर दी हुई है, है ना अब हम ए टी और ए एन निकाल लेंगे ए टी इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर अल्फा कितना है बेटा एट पाई और आर कितना है पॉइंट टू मीटर तो कितना आ रहा है फाइव पॉइंट जीरो थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन ए एन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू आर ओमेगा स्क्वायर हम लोग निकाल चुके हैं कितना थ्री वन फाइव पॉइंट एट थ्री इंटू पॉइंट टू Sixty three point one seven. A total acceleration will be the resultant of AT and AN. So AT is five point zero three, AN is sixty three point one seven. तो टोटल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट सिक्सटी थ्री पॉइंट थ्री सेवन सो दिस इज द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द व्हील आफ्टर इट हैज रोटेटेड टू रेवल्यूशन सिक्सटी थ्री पॉइंट थ्री सेवन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है पहले हम लोगों ने कीटा की वैल्यू रख के अल्फा निकाल लिया फिर इंटीग्रेट करके ओमेगा भी निकाल लिया उसके बाद ए टी और ए एन निकाला फिर रिजल्टेंट निकाल दिया टोटल एक्सेलरेशन है ना चलो तो इस तरीके से रोटेशनल मोशन के सवाल तो आप लोग बना लोगे हालांकि मैंने बताया ना डायरेक्ट सवाल आएंगे नहीं बहुत रेयर चांस है कि कोई डायरेक्ट सवाल आ जाए रोटेशनल मोशन है जनरल मोशन, मोशन, मोशन यानी कि ऐसा मोशन जो ना तो प्योर ट्रांसलेशन है और ना प्योर रोटेशन है आप ये बोल सकते हो कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन एग्जाम्पल किसी व्हील का मोशन जैसे मैं अगर एक व्हील की बात करूं जो किसी फ्लैट रोड पे चल रहा है क्या ये रोड है इस रोड पे एक व्हील चल रहा है ठीक है मान लीजिए इस व्हील पे पॉइंट है ये ए दिस इज देंटर एक पॉइंट है ए अब ये व्हील जब आगे मूव करेगा तो ये रोटेट भी कर रहा होगा और ट्रांसलेट भी कर रहा होगा है ना इसमें दोनों चीजें हो रही हैं ये रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है तो ट्रांसलेट करके ए जो है वो यहां पहुंचेगा और रोटेट करके यहां पहुंच जाएगा है ना तो आप देख सकते हो व्हील जो है उसने ट्रांसलेशन भी किया और रोटेशन भी किया अगर सिर्फ ट्रांसलेशन किया होता तो ए यहां पर होता ए डैश यहां पे होता अगर वो सिर्फ ट्रांसलेशन करता ए डैश यहां पे होता और अगर सिर्फ रोटेशन करता तो ए डैश यहां पर होता है, लेकिन इसने ट्रांसलेशन भी किया है और रोटेशन भी किया है तो दिस इज जनरल मोशन ठीक है अब हम जनरल मोशन के सवाल कैसे सॉल्व करें? तो जनरल मोशन के सवालों को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं एक रिलेटिव वेलोसिटी मेथड होता है एक आई सेंटर मेथड होता है क्या मैं रिलेटिव वेलोसिटी मेथड नहीं बताऊंगा क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी मेथड वैसे भी बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है बताता हूं एक डेढ़ घंटा टाइम वेस्ट होगा क्योंकि अल्टीमेटली आप आई सेंटर मेथड ही लगाओगे वैसे भी थ्योरी ऑफ मशीन्स में आप वापस से ये दोनों मेथड पढ़ते हो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड भी पढ़ते हो थ्योरी ऑफ मशीन्स में और आई सेंटर मेथड भी पढ़ते हो है ना तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी मेथड जानना ही है एकदम किसी को उत्सुकता है ही तो आप लोग थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ ही लोगे है ना हालांकि मैं वहां पे भी आपको बता दूं वहां भी आप रिलेटिव वेलोसिटी मेथड नहीं लगाओगे आप हमेशा आई सेंटर मेथड ही लगाना पसंद करोगे क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी मेथड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है तो हम लोग सीधे आई सेंटर मेथड पे ही आते हैं जो हमें लगाना है एग्जाम में तो आई सेंटर मेथड होता क्या है आई सेंटर क्या चीज है आई सेंटर इज नोन एज इंस्टेंटेनियस सेंटर इंस्टेंटेनियस बोलने का मतलब क्या है इंस्टेंट का मतलब तो पता है ना आपको इंस्टेंट का मतलब किसी क्षण पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंटेनियस मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे ठीक है देखिए जब कोई बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा होता है तो उसका सेंटर ऑफ रोटेशन फिक्स होता है और हमें पता होता है कि हां भैया ये इस बॉडी का सेंटर ऑफ रोटेशन अब जनरल मोशन के केस में प्योर रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है है ना लेकिन अगर मैं आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी के किसी पार्टिकल की वेलोसिटी पूछता हूं मान लीजिए जैसे यही व्हील है मैं आपको बोल रहा हूं ए की वेलोसिटी निकालो इस मोमेंट पे इस क्षण पे इस इंस्टेंट तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं अज्यूम कर सकता हूं कि ये व्हील प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है हालांकि कर नहीं रहा है बट मैं अज्यूम कर सकता हूं कि ये प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है अब अगर ये प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो इसका कोई सेंटर ऑफ रोटेशन भी होगा उस इमेजिनरी सेंटर ऑफ रोटेशन को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस सेंटर तो इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या है कोई बॉडी अगर जनरल मोशन कर रहा है तो किसी इंस्टेंट पे मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि वो बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है और उस इंस्टेंट पे जो उसका इमेजिनरी सेंटर ऑफ रोटेशन होगा उसको हम इंस्टेंटेनियस सेंटर बोलेंगे अब ये जो इमेजिनरी सेंटर ऑफ रोटेशन है ये अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग होगा प्योर रोटेशनल मोशन में आपका सेंटर ऑफ रोटेशन फिक्स होता है हर जो तो आपका इमेजिनरी सेंटर ऑफ रोटेशन है वो अलग अलग इंस्टेंट पर अलग अलग होगा t इक्वल टू वन सेकंड पे वो कहीं और आएगा t इक्वल टू टू सेकेंड पर कहीं और आएगा t इक्वल टू फाइव सेकेंड कहीं और आएगा है ना तो मान लीजिए एक रिजिड बॉडी है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जिस इंस्टेंट का मैं डायग्राम बना रहा हूं उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मुझे किसी एक पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है लेट्स से पार्टिकल ए की वेलोसिटी निकालनी है तो सबसे पहले आप उसका इमेजिनरी सेंटर ऑफ रोटेशन ढूंढोगे इस इंस्टेंट पे उसका इमेजिनरी सेंटर ऑफ रोटेशन कहां है मान लीजिए ये है इमेजिनरी सेंटर ऑफ रोटेशन तो बस अब आप उसका वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो है कि नहीं वॉट विल बी वी ए वी ए विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू आई ए आई ए क्या है आई ए इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन आई इज योर सेंटर ऑफ रोटेशन अब आपका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो गया है आई हो गया है तो आई से लेके ए तक का डिस्टेंस आई ए तो अपन आर लिखते थे ना वही हो गया अब आई ए ठीक है तो बेटा अगर आपको किसी भी बॉडी के किसी पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है तो आपको क्या पता होना चाहिए आपको आई सेंटर का लोकेशन पता होना चाहिए अगर आपको आई सेंटर का लोकेशन पता चल गया तो फिर आप उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो प्योर रोटेशनल मोशन होता तो अपने को सेंटर ऑफ रोटेशन ढूंढना नहीं पड़ता वो तो क्वेश्चन में ही दिया होता बट यहां अपने को सेंटर ऑफ रोटेशन यानी आई सेंटर ढूंढना पड़ता है ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आई सेंटर को लोकेट करना है अब देखते हैं लोकेशन ऑफ आई सेंटर निकालने के तरीके तो मैं आपको तीन केसेस बताऊंगा जहां आपको लोकेशन ऑफ आई सेंटर निकालना है तीन अलग अलग टाइप के केसेस तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो इन तीन में से ही कोई एक टाइप के होंगे तो पहला आपका जो केस है वो क्या है मान लीजिए जिस बॉडी का आई सेंटर निकालना है उस बॉडी के कोई भी दो पॉइंट की वेलोसिटी का आपको डायरेक्शन पता है क्या पता है उस बॉडी के कोई भी दो पॉइंट्स कोई भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं उनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है मैग्नीट्यूड नहीं पता है लेकिन डायरेक्शन पता है अब वो दो कोई भी रैंडम पॉइंट्स हो सकते हैं मान लीजिए जैसे ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है ठीक है इनकी वेलोसिटी का मेरे को मैग्नीट्यूड का सॉरी डायरेक्शन का पता है अब मैं सबसे पहले तो इनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कर लेता हूं तो मान लीजिए पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन है yeah. और मान लीजिए ए पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो कुछ ऐसा है मैं अज्यूम कर ले रहा हूं ना लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी बी ठीक है अब आपको आई सेंटर कैसे मिलेगा तो सबसे पहले हम दो लाइने खींचेंगे पहली लाइन हम खींचेंगे पॉइंट ए से जो वी ए के परपेंडिकुलर होनी चाहिए पॉइंट ए से लाइन खींचनी है जो वी ए के परपेंडिकुलर होनी चाहिए तो ये एक लाइन खींच दी हमने पॉइंट ए से विच इज परपेंडिकुलर टू वी ए दूसरी लाइन हम खींचेंगे पॉइंट बी से जो तो वी बी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए अब ये दोनों लाइनें जो हैं जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ट इज योर आई सेंटर क्लियर है एक लाइन हम खींचेंगे ए से जो वी ए के परपेंडिकुलर है एक लाइन हम खींचेंगे बी से जो वी बी के परपेंडिकुलर है दोनों लाइने जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज योर आई सेंटर ओके लेकिन ये जो केस है ये तभी पॉसिबल है मतलब ये आप तभी लगा सकते हो जब वी ए और वीबी एक दूसरे के पैरल ना हो अगर वी ए और वीबी एक दूसरे के पैरल होंगे तो उनके परपेंडिकुलर भी एक दूसरे के पैरल होंगे और वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे है ना तो ये हम तभी यूज कर सकते हैं व्हेन वी इज नॉट पैरल टू वीबी अब मान लीजिए वीए अगर वीबी के पैरल हुआ तो तो ये आ जाता है सेकेंड केस सेकेंड केस क्या है मान लीजिए आपको किसी बॉडी के दो पार्टिकल्स का वेलोसिटी का डायरेक्शन भी पता है और मैग्नीट्यूड भी पता है यहां मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए और डायरेक्शन भी पता होना चाहिए ठीक है ना तो मान लीजिए दो रैंडम पॉइंट्स हैं ए और बी इनकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है लेट्स से दिस इज वी ए दिस इज वी बी और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं ठीक है ना तो अब हम आई सेंटर कैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा सबसे पहले एक लाइन खींचनी है जो ए और बी को मिला दे ये लो एक लाइन खींच दी मैंने जो ए और बी को मिला दे अब दूसरी लाइन आपको खींचनी है जो इस एरो को इस एरो से मिला दे अब ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी योर आई सेंटर ठीक है तो आपने यहां एक लाइन खींची ए और बी को मिलाते हुए दूसरी लाइन खींची पी ए और VB के एरो को मिलाते हुए एंड यू गॉट द आई सेंटर तो ये सेकेंड केस है जब दो पार्टिकल्स की वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पता है और दोनों एक दूसरे के पैरल हैं ओके पैरल नहीं होंगे तो ये करना है पैरल होंगे तो ये करना है ओके अब तीसरा जो केस है वो बड़ा आसान है मान लीजिए एक व्हील है जो कि एक फिक्स्ड रोड पे रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब क्या होता है बेटा स्लिप ना होने का मतलब क्या है ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये रोड को टच कर रहा है इस पॉइंट का रेलेटिव वेलोसिटी जीरो होना चाहिए रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब क्या है इस पॉइंट पे अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो इस पॉइंट पे रोड की वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी दोनों क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए स्लिप होने का मतलब है दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है ना अगर स्लिप नहीं हो रहा है मतलब दोनों एक साथ चल रही है तो जितनी वेलोसिटी रोड की है उतनी वेलोसिटी इसकी भी है अब रोड की वेलोसिटी कितनी है जीरो है कि फिक्स है तो इस पॉइंट पे व्हील की वेलोसिटी भी कितनी होगी जीरो जीरो वेलोसिटी किसकी होती है सेंटर ऑफ रोटेशन की होती है ना v इक्वल टू ओमेगा आर में v कब जीरो होगा जब r जीरो होगा और r किसके लिए जीरो होगा सेंटर ऑफ रोटेशन के लिए यानी कि यही पॉइंट क्या होना चाहिए मेरे भाई सेंटर ऑफ रोटेशन होना चाहिए ओके तो व्हेन अ व्हील इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स्ड सरफेस देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज द आई सेंटर तो यहां आपने को कोई खास मेहनत नहीं करनी है आई सेंटर लोकेट करने के लिए जहां पर भी व्हील का रोड से संपर्क हो रहा है वही पॉइंट क्या है आपका आई सेंटर ठीक है तो आपको इन तीन केसेस के ऊपर सवाल देखने को मिलेंगे ओके okay? सवाल बड़े सिंपल होंगे आपको आई सेंटर लोकेट करना रहेगा और वहां से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी ठीक है ना ओमेगा इनटू डिस्टेंस फ्रॉम आई सेंटर करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी तो बेसिकली अपने को आई सेंटर लोकेट करना है ठीक है चलिए सवाल देख लेते हैं तो पहला सवाल ये रहा अ रॉड ऑफ लेंथ टू मीटर इज स्लाइडिंग इन अ कॉर्नर एक रॉड है जो एक ऐसे कॉर्नर पे रखा हुआ है स्लाइड कर रहा है एट एन इंस्टेंट वेन द रॉड मेक्स एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्रीज विद ऑरिजोटल वेलॉसिटी ऑफ द एंड ए इज टेन मीटर पर सेकेंड अज्यूमिंग ए एंड बी डज नॉट लूज कॉन्टेक्ट विद द सर्फेस वेलॉसिटी ऑफ एंड बी एट दिस इंस्टेंट इज क्या बोल रहा है ये रॉड कुछ ऐसा मूव कर रहा है कि ए और बी का सरफेस से कांटेक्ट नहीं छूट रहा है मतलब ए इसी सरफेस पे मूव करेगा बी इसी सरफेस पे मूव करेगा इस इंस्टेंट पे जब रॉड 30 डिग्री बना रहा है ए की वेलोसिटी दी हुई है और बी की वेलोसिटी निकालनी एक पॉइंट की वेलोसिटी आपको दी हुई है और दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी सिंपल है अब यहां सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको यह देखना है कि क्या आपको किन्हीं दो पॉइंट्स की वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है पता है क्या दो पॉइंट्स की वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है क्या बिल्कुल पता है कौन से दो पॉइंट्स हैं सर दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी तो बेटा पॉइंट ए इस सरफेस पे ही मूव कर रहा है ना स्लाइड कर रहा है तो इस सरफेस पे मूव कर रहा होगा मान लीजिए ये ओमेगा है आपका तो ए जो है वो राइट साइड स्लाइड कर रहा होगा इसी सरफेस पे तो ये वी ए हो गया और बी जो है वो भी इसी सरफेस पे स्लाइड करेगा तो ये वी बी हो गया अब आपको दो पॉइंट्स की वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है बी ए और वी बी अब क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं नहीं एक दूसरे के पैरेलल नहीं है यानी कि केस नंबर वन बन रहा है अगर एक दूसरे के पैरल होते तो केस नंबर टू होता लेकिन ये एक दूसरे के पैरल नहीं है तो केस नंबर वन बन रहा है और केस नंबर वन में हम आई सेंटर कैसे निकालते हैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे ए से बी ए के परपेंडिकुलर और एक लाइन हम खींचेंगे बी से बीबी के परपेंडिकुलर एक लाइन ए से खींची वीए के परपेंडिकुलर एक लाइन बी से खींची वीबी के परपेंडिकुलर ये दोनों लाइनें जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं वही हमारा आई सेंटर है ठीक है क्लियर है एक लाइन खींची ए से वी ए के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची बी से वीबी के परपेंडिकुलर दोनों जहां जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हो गया हमारा आई सेंटर अब हमें बी ए पता है और वी बी निकालना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या बी ए इक्वल टू ओमेगा इंटू आई एंड वी बी इक्वल टू ओमेगा इंटू आई बी लिख सकते हैं बी ए विल बी ओमेगा इंटू डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम आई सेंटर बीबी विल बी ओमेगा इंटू डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम आई सेंटर अब अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लू तो ये आई बी डिवाइडेड बाय आई ए हो जाएगा क्या तो व्हाट कैन बी बीबी बीबी विल बी बी ए इंटू आई बी बाय आई ए बस यहां वैल्यूज पुट कर दो भाई ए कितना है दस मीटर पर सेकेंड है आई बी कितना है तो बेटा इसकी लेंथ अगर एल है तो ये कितना होगा एल कॉस थर्टी होगा कि नहीं ये दो मीटर की लेंथ है ना तो अगर ये दो मीटर है दिस इज टू कॉस थर्टी दिस इज टू कॉस थर्टी एंड दिस इज टू साइन थर्टी और टू तो कैंसल हो जाएगा तो वी बी विल बी टेन डिवाइडेड बाय टेन थर्टी आ रहा है टेन रूट थ्री या सेवेंटीन पॉइंट थ्री टू मीटर पर सेकेंड आ रहा है 17.32 पॉइंट थ्री टू मीटर पर सेकेंड ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मैं आपको बता दू है ना तो चलिए भी आ गया 17.32 मीटर पर सेकेंड क्लियर है यह चीज तो यह हो गया केस नंबर वन का क्वेश्चन अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 15 मीटर इज कन्फाइंड टू रोल विदाउट स्लिपिंग एट ए एंड बी एक सर्कुलर डिस्क है ठीक है जो कि ए और बी पे रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग और यहां ए और बी जो दोनों हैं प्लेट्स है मान लीजिए ये प्लेट्स जो है ये खुद मूव कर रही है ए लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है और बी राइट की तरफ मूव कर रहा है आपको बोल रहा है इफ द प्लेट्स हैव वेलोसिटीज एज शोन इन फिगर डिस्टेंस ऑफ द आई सेंटर फ्रॉम बी इज ध्यान से मेरी बात समझ यहां रोलिंग विदाउट स्लिपिंग देखते ही ना कई लोग क्या करते हैं अरे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी सेंटर ऑफ रोटेशन आई सेंटर अरे मेरे भाई दिस केस थर्ड केस इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन फिक्स्ड सरफेस जब सरफेस फिक्स्ड है देन दिस विल बी द आई सेंटर यहां सरफेस फिक्स है क्या ये जो डिस्क है ए और बी पे रोल कर रहा है क्या ए फिक्स है नहीं एक खुद मूव कर रहा है बारह मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट की तरफ क्या बी फिक्स है नहीं बी खुद मूव कर रहा है आठ मीटर पर सेकेंड से राइट की तरफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है यानी कि जो वेलोसिटी सरफेस की रहेगी वही वेलोसिटी डिस्क की रहेगी तो पॉइंट ए पे सरफेस की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है तो डिस्क की वेलोसिटी भी 12 मीटर पर सेकेंड हुई वैसे ही पॉइंट बी पे सरफेस की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है तो डिस्क की वेलोसिटी भी 8 मीटर पर सेकेंड हुई यानी हमें इस डिस्क के टॉप और बॉटम पॉइंट्स का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है टॉप का मैग्नीट्यूड है 12 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन कुछ ऐसी है बॉटम का मैग्नीट्यूड है आठ मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज द डायरेक्शन राइट ठीक है दिस पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी अब हमें कौन सा केस मिल रहा है कौन सा केस बन रहा है यहां पे? सेकेंड केस बन रहा है दो पॉइंट की वेलोसिटी का मैग्निट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता है दोनों एक दूसरे के पैरल है सेकेंड केस बन रहा है आई सेंटर कैसे मिलेगा एक लाइन आप खींचोगे ए और बी को मिलाते हुए दूसरी लाइन आप खींचोगे इन दोनों एरोस को मिलाते हुए जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे दिस इज गोइंग टू बी योर आई सेंटर आ गया कि नहीं ठीक है अब आपको इस आई सेंटर का बी से लोकेशन निकालना है यानी यू नीड दिस डिस्टेंस इसको मैं बोल देता हूं Y, ये कितना हो जाएगा डायामीटर कितना है टोटल ये डिस्टेंस कितना होगा डायामीटर के बराबर होगा डायामीटर कितना है रेडियस 15 मीटर है मेरे भाई तो डायामीटर 30 मीटर होगा ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 30 मीटर है और ये Y है तो ये 30 माइनस वाई हो जाएगा अब आप इन दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलर ट्रायंगल लगा सकते हो एक ट्राइंगल ये है दूसरा ट्राइंगल ये है तो वाई बाय इक्वल टू थर्टी माइनस वाई बाय ट्वेल्व हो गया ट्वेल्व वायक्वल टू टू फोर्टी माइनस एट वाय ट्वेंटी वायक्वल टू टू फोर्टी है ना तो वाई विल बी इक्वल टू ट्वेल्व मीटर्स फोर्टी बाय ट्वेंटी ट्वेल्व है ना तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज ट्वेल्व मीटर ओके टॉप से पूछेगा तो कितना हो जाएगा थर्टी माइनस ट्वेल्व यानी कि एटीन ओके चलिए अब ये तीसरे टाइप का सवाल आ गया देखो अ सर्कुलर डिस्क यार ये यारू है क्या बोला जा रहा है सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस वन मीटर रोल्स विदाउट स्लिपिंग एट अ वेलॉसिटी ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट तो आपको एक से ज्यादा आंसर मिल सकते हैं यहां पर एक डिस्क है जो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग ठीक है आपको तीन पॉइंट्स यहां पर दिए हुए ए बी सी पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन इज एट सी क्या इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन सी पे होगा दिस इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स्ड सरफेस तो क्या इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन सी पे होगा नहीं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कहां पर आएगा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो यहां पर आएगा दिस इज गोइंग टू बी द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है दूसरा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज एट ए क्या ये सही है अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी उन पॉइंट्स के सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस पे और किस पॉइंट का सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस सबसे ज्यादा है पॉइंट का सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस सबसे ज्यादा है पॉइंट ए का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा ना आप इस इन सारे पॉइंट्स में देख लो किसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा आई से ए का सबसे ज्यादा होगा जाहिर सी बात है ए का वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा होगा तो ये वाला स्टेटमेंट सही है एकदम वेलोसिटी ऑफ बी इज टेन रूट टू मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ बी इज टेन मीटर पर सेकेंड अब ये दोनों में से कौन सा सही है इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है हो सकता है दोनों में से कोई भी सही ना हो ये भी हो सकता है ठीक है ना तो भैया हमें बी की वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी अब बी की वेलोसिटी कैसे पता करेंगे हमें यहां पॉइंट की वेलोसिटी पता है टेन मीटर पर सेकेंड ये जो वेलोसिटी है ना ये सेंटर की वेलोसिटी डिस्क जो आगे पीछे मूव कर रहा है उस डिस्क की वेलोसिटी वेलोसिटी किसकी होगी सेंटर की तो हमें सेंटर की वेलोसिटी पता है और बी की वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई हम लिख सकते हैं वी सी इक्वल टू ओमेगा इन एंड वी बी इक्वल टू ओमेगा इंटू आई बी तो वी सी विल बी इक्वल टू वी बी इंटू आई सी बाई आई बी है ना ऐसा लिख सकता हूं क्या वीसी बाई वी बी इक्वल टू आई सी बाई आई बी वी सी इक्वल टू वी बी इंटू आई सी बाई आई बी तो मेरे भाई द लॉसिटी ऑफ बी कितना है टेन मीटर पर सेकेंड I से लेके C तक का डिस्टेंस कितना होगा वट विल बी दिस डिस्टेंस ये डिस्टेंस कितना हो तो भैया इसका रेडियस वन मीटर है ना दिस इज वन दिस इज वन तो ये रूट टू हो जाएगा कि नहीं रूट ओवर वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर ये रूट टू हो जाएगा तो भैया आई से लेके बी तक का डिस्टेंस सी तक का डिस्टेंस इज बड़बड़ कर रहा हूँ कि हाँ मैं उल्टा लिख दे रहा हूँ ये V भी निकालना है V C into I B by I C है तो V C अपने को दिया है 10 I से लेके B तक का डिस्टेंस हो गया root 2 I से लेके C तक का distance 1 तो वेलोसिटी ऑफ B विल बी टेन रूट टू मीटर पर सेकेंड यानी कि इनमें से सी करेक्ट स्टेटमेंट है टेन रूट टू मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी है ना तो बेटा बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर वेलोसिटी ऑफ ए इज मैक्सिमम एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज टेन रूट टू मीटर पर सेकेंड और किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी आपको पूछेगा आप निकाल सकते हो आपको बस उस पॉइंट का आई से डिस्टेंस पता होना चाहिए तो आप किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाओगे है।, है ना तो मैंने आपको केस नंबर वन के ऊपर भी क्वेश्चन करा दिया केस नंबर टू के ऊपर भी करा दिया केस नंबर थ्री के ऊपर भी करा दिया। आपको इन्हीं तीन केसेस में से कोई एक केस के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा थ्योरी ऑफ मशीन में आप इसी सेम प्रोसीजर से और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हो ठीक है लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इस तरीके के क्वेश्चन okay? तो आज हम लोगों ने जनरल मोशन के क्वेश्चन भी कर लिए और रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन भी कर लिए इसमें से जनरल मोशन के ऊपर आपको क्वेश्चन हाल फिलहाल में देखने को मिलेंगे रोटेशनल मोशन के ऊपर तो मेरे ख्याल से एक ही सवाल आया शायद गेट में डायरेक्ट सवाल ठीक है तो बेटा काइनेमेटिक्स हम लोगों का यही समाप्त होता है हमने काइनेमेटिक्स केस में ट्रांसलेशनल मोशन भी पढ़ लिया रोटेशनल मोशन भी पढ़ लिया जनरल मोशन भी पढ़ लिया है अब अगला कदम हम कहाँ रखेंगे स्टैटिक्स और काइनेटिक्स इन दोनों से ज्यादा सवाल आते हैं मैंने एनालिसिस किया है पिछले पंद्रह सालों का उसके पहले का एनालिसिस करने का कोई खास फायदा नहीं है लेकिन लास्ट फिफ्टीन ईयर का हमने जो एनालिसिस किया है उन लास्ट 15 सालों चालीस प्रतिशत सवाल गेट मैकेनिकल में चालीस प्रतिशत सवाल स्टैटिक्स से आए हैं चालीस प्रतिशत काइनेटिक्स से आए हैं और मात्र बीस परसेंट काइनेमेटिक्स से उन बीस में से भी कुछ क्वेश्चंस आई सेंटर के हैं अब वो आई सेंटर के क्वेश्चन आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी रख सकते हो थ्योरी ऑफ मशीन में भी तो ये कंफ्यूजन रहता है कि इसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सवाल मानेगी थ्योरी ऑफ मशीन है ना तो हो सकता है बीस परसेंट भी ना हो काइनेमेटिक्स में अगर मैं उस क्वेश्चन को थ्योरी ऑफ मशीन में गिन लूँ तो फिर वो बीस परसेंट भी ना हो है ना कहने का मतलब ये है कि काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में काइनेटिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर सवाल आते हैं और अच्छे सवाल आते हैं हाल फिलहाल में आप देखोगे काइनेटिक्स के ऊपर काफी अच्छे अच्छे सवाल आए हुए हैं तो हम कल से काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे पहले हम काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स पढ़ेंगे फिर हम काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज पढ़ेंगे ठीक है चलिए तो इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त होती है आप लोगों को कोई भी डाउट्स होते हैं आप लोग बिल्कुल इस ग्रुप में पूछ लीजिए मैं देख रहा हूं कि बच्चे जो हैं वो डीपीपी वगैरह से डाउट्स ही नहीं पूछ रहे हैं अलग ना यार आप लोगों को इतनी मेहनत करके हम डी दे रहे हैं ताकि आप और प्रैक्टिस कर सको और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कोई भी सवाल पूछ ही नहीं रहा है टेलीग्राम ग्रुप में डी पी करके तो आप लोग अगर सवाल नहीं पूछ रहे हो तो दो चीज़ें हो सकती हैं या तो आप लोग को डाउट ही नहीं आ रहा है मैं इतना अच्छा पढ़ा दे रहा हूँ कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं आ रहा अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को भी एक भी डाउट ना आए इसका मतलब यही है दूसरी चीज कि आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो सॉल्व करो डीपीपीज एटलीस्ट पीवाई क्यूज तो सॉल्व करो ठीक है जैसे ही कोई टॉपिक यहाँ खत्म होता है पीवाई क्यूज सॉल्व करो और पीवाई क्यूज के ऊपर अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन टेलीग्राम ग्रुप ठीक है तो मिलता हूँ फिर कल आप लोगों से कल संडे है लेकिन कल भी क्लास रहेगी क्योंकि देखो आप लोगों को ऑलरेडी पता है हम लोगों को दो महीने में क्रैश कोर्स खत्म करना है है ना इस साल के खत्म होने से पहले यानी 2024 के खत्म होने से पहले 31 दिसंबर 2024 से पहले खत्म करने की हमारी कोशिश है तो बेटा इस कोशिश में हम संडे को भी क्लास ले रहे हैं बेटा हमारे लिए भी मुश्किल है क्योंकि हमारी सबकी भी फैमिलीज हैं लेकिन फिर भी हम अपनी संडे की इवनिंग को आ, कुर्बान करने के लिए अभी तैयार हैं जब तक आपका गेट नहीं हो जाता ठीक है तो आप लोग भी उसको कुर्बान करो वैसे तो कर ही रहे होगे बहुत टाइम से तो संडे को भी क्लास होगी सेम टाइम सेम जगह ठीक है मिलता हूं कल आप लोगों से काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स के लेक्चर के साथ तब तक के लिए बाय टेक केयर गुड नाइट